नमस्कार दोस्तों, अगर कहानियां आपको अच्छी लग रही हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में एक और नई कहानी। कहानी का शीर्षक है हर ख्वाहिश पर दम निकले। मगर जब कहने पे आई हूँ तो समझ में ही नहीं आता कि अपने अधूरे अरमानों की दास्तान कहाँ से शुरू करूं। चूंकि हर दिन का आगाज सुबह से होता है, मैं भी अपने अफसाने की शुरुआत सुबह से ही कर रही हूँ। सुबह जिसे लेकर कवि और शायरों ने जाने क्या क्या लिख रखा है, लेकिन शहरी जिंदगी की सुबह केवल अखबार में सिमट कर रह गई है। अखबार हम लोग भी खरीदते हैं इसलिए कि दुनिया के हालचाल से बाखबर रह सकें। चार आदमियों के बीच में बॉडम की तरह मुंह सीकर न बैठना पड़े। दुनिया जानती है कि अखबार पढ़ने का सबसे मौजूद समय सुबह ही होता है। इस वक्त शरीर हल्का और दिमाग बेफिक्र होता है एक भरे पूरे दिन की अगवानी के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, अखबार ने जैसे 10 बजे से पहले नीचे उतरने की कसम खा रखी है। 10 बजे ऊपर वाले शर्मा जी चश्मे के शीशे को धोती के छोर से पोंछते हुए अखबार लेकर नीचे उतरते हैं। उस समय दिल तो होता है, पर शहरी तहजीब के मारे हम हैं हंसते हुए अखबार ले लेते हैं और बात आई गई हो जाती है। अब बताइए 10 बजे किस शरीफ आदमी या औरत के पास अखबार के लिए वक्त होता है? हाथ तो घड़ी की सुई की होड़ करते होते हैं। मैं तो खैर थोड़ा दिन में पढ़ भी लेती हूँ, पर मेरे पति देव शाम को दिन भर की आपाधाबी से इतने थक जाते हैं कि दुनिया तो दूर घर का भी हाल कहूँ तो काटने दौड़ते हैं। राजा के बगीचे से सोने के सिक्के चोरी हो जाते थे, यह कहानी तो सबने सुनी होगी। कहानी के चोर की तरह हमें भी अखबार के आने का पता ही नहीं चलता। कई बार अलार्म लगाकर नींद भी खराब की, पर पता नहीं कैसे अखबार ऊपर ही पहुंच जाता था। वैसे दुनिया जहान के हालचाल जानने का एक और नायाब तरीका आज हम लोगों के पास है, वह है रेडियो। आपको जानकर खुशी होगी कि न सिर्फ हमारे पास बल्कि हमारे पड़ोसियों के पास भी रेडियो है। यह सिर्फ अपने सितारों का कसूर है कि हम उसे सुनने से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जिस समय दाईं ओर वाले चोपड़ा साहब न्यूज सुनते हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ फरमाइशी नगमे सुनने के लिए जम जाते हैं और उनकी भी दाग देनी पड़ती है। चोपड़ा साहब की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी बुलेटिन सुनते हैं। गोया उन्हें अंदेशा रहता है कि इतनी देर में कहीं ना कहीं इनकलाब या सैलाब तो आ ही गया होगा। हफ्तों की इंतजारी के बाद जब कोई पसंदीदा ड्रामा रेडियो पर आने को होता है, हम लोग जल्दी से खा पी कर ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय सामने वाले मोडक जी की श्रीमती जी दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। एक जमाना हुआ जब वे संगीत सीखती थीं। हमारी बदकिस्मती से उनके उस्ताद जी उसी दिन रेडियो पर गाने को होते हैं। मोडक जी का घराना औरंगजेबी होने की वजह से उन्हें हमारी याद आ जाती है। उस्ताद जी तो खैर जैसे भी हैं, पर मिसेस मोदक दाद ऐसे देती हैं गोया तानसेन के बाद मुल्क में यही एक आवाज पैदा हुई है। एक से ढर्रे पर चलने वाली मिडिल क्लास की जिंदगी में रंग भरती है कभी कभार आने वाली चिट्ठियां मेरे यहाँ भी आती हैं, जिसमें आमतौर पर खर्चे की तंगी, तबीयत की नासाजी या नई पीढ़ी की बेहूदगियों का जिक्र रहता है, पर कभी कभी कोई गैर मामूली खत भी होता है। कभी कोई खुशखबरी होती है और मैं सोचती हूँ कि शाम को वे जब जिंदगी से हारे हुए जुआरी की तरह आराम कुर्सी पर निढाल हो जाएंगे, तब यह खुशखबरी सुनाकर थोड़ी देर के लिए ही सही उनके चेहरे पर रौनक देख सकूंगी। कोई चिट्ठी गमगीन भी होती है। सोचती हूँ खाने पीने से छुट्टी पाकर रात को धीरे से कहूंगी, जिससे हादसा कम से कम महसूस हो। पर भला हो इन पड़ोसियों का, वे मुझे इस तरह की कोई तकलीफ नहीं उठाने देते। उनका चुस्त सेंसर बोर्ड हर बात की खबर रखता है। जिस समय बच्चों के पापा पंचर साइकिल घसीटते हुए दुनिया भर की बेजारी चेहरे पर ओढ़कर घर में दाखिल होते हैं, उन्हें यह ताजा खबर सुना दी जाती है। उस समय वे गम या खुशी के संगीन दायरे से इतने ऊपर होते हैं कि एक खास दिन, एक खास खबर बेमानी होकर रह जाती है। चिट्ठियां ही नहीं, इस घर में आने वाले इंसान तक सेंसर होते हैं। इनके कई दोस्तों ने यह घर ही इसलिए छोड़ दिया कि वे इस प्रेक्षक गैलरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरी तमन्नाओं का सबसे दर्दनाक हश्र तब होता है जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं। बनती कोशिश, हम लोग अपना प्रोग्राम चुपचाप ही बनाते हैं, नहीं तो हमारे आदतमंद पड़ोसी अमुक फिल्म वाहियात है, अमुक लचर है, अमुक जरूर देखिए जैसे सुझावों की झड़ी लगा देते हैं। कातिल का नाम बताकर सस्पेंस, फिल्मों का खून करना इनके बाएं हाथ का खेल है। सामाजिक फिल्मों की कहानी भी मैं एक्टिंग के सुनाने से ये बाज नहीं आते। हम लाख छुपाएं पर मुझे दोनों वक्त की रोटी सेकते देख या दूध वाले से ज्यादा दूध लेते देख पड़ोसी प्रोग्राम को भाप ही लेते हैं। फिर बच्चे हैं जो पापा को मम्मी की साड़ी पर प्रेस करते देख लेते हैं और सारे पास पड़ोस में यह खुशखबरी फैला देते हैं। पड़ोसियों के सुझाव और बच्चों से दामन छुड़ाकर हम जैसे तैसे सड़क पर आ भी जाते हैं तो भी बात बनती नहीं। रास्ते भर बहस करते हुए हम सिनेमा हॉल में दाखिल होते हैं। बहस का विषय पिक्चर का चुनाव होता है और बदकिस्मती से मैं कोई नाम सजेस्ट कर देती हूँ। सिनेमा देखते वक्त पूरे समय मेरा ध्यान हीरोइन के जोड़ों की ओर रहता है, जिन्हें ऊपर वालों की प्रभा मुझसे सीखना चाहती है। राजू को हीरो के स्वेटर की तलाश होती है, जिसकी तारीफ गजोधर रोज करता है। जिस समय वह स्वेटर पर्दे पर आता, मेरा जी करता है राजू की आंखों पर हाथ रख दूं। 3 घंटे बाद बाहर निकलते ही ये बरस पड़ते हैं, वाह क्या चॉइस है तुम्हारी। मैं चुप करके रह जाती हूँ क्योंकि चॉइस मेरी नहीं, मिसेस मोडक की होती है। मुंह लटकाए हम लोग लौटते हैं। दरवाजे से ही गिराव शुरू हो जाता है। कौन सी पिक्चर देखी, कैसी थी, अमुक गाना कैसा था, हीरो कितना बॉडम था, इसका एंड यूं भी हो सकता था, ये अंदर से चीखते हैं। मैंने कहा जरा घड़ी देखो, कल की छुट्टी थोड़े ही है। भीड़ छट जाती है और मैं सहमी से अंदर जाती हूँ। स्टोव पर खाना गर्म करके सबको आवाज देती हूँ। हम लोग चुपचाप सिर झुकाकर इस तरह खाने लगते हैं जैसे पिक्चर देखकर नहीं, किसी को दफना करके लौटे हों। एक पिक्चर एंजॉय करने की हसरत दिल में अब भी बाकी है।